दोस्तों हैक्स एंड हेल्थ में फिर से आपका स्वागत है। इससे पहले हमने वीडियो डाला था कि टमाटर को कैसे लंबे समय तक स्टोर करें, आपने उसे बहुत पसंद किया है, उसके लिए धन्यवाद। ये एक दूसरा तरीका है, तो चलिए झटपट शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 4 टमाटर। आपको जितने टमाटर स्टोर करने हैं आप उतने लीजिए। यहाँ मैं आपको कम क्वांटिटी में दिखा रही हूँ। टमाटर थोड़े कड़े होने चाहिए और लाल होने चाहिए। उसे अच्छे से वॉश करके उसे ड्राई कर लिया है हमने। यहाँ पे सारे टमाटर को वॉश करके ड्राई कर लीजिए। ध्यान रहे टमाटर आपका बहुत ज्यादा पका हुआ ना हो। ड्राई करने के बाद इसके टॉप पोर्शन को हम कट कर हटा देंगे। यहाँ सारे के टॉप पोर्शंस को मैंने हटा दिया है और अब हम इसे पतला पतला काट के एक ट्रे में रखेंगे। आपको इसे पतला काटना है ताकि ये जल्दी सूख जाए। यहाँ मैं कम क्वांटिटी में दिखा रही हूँ। आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है आप एक बार बनाकर इसे स्टोर कर रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे पतले पतले काट लिए हैं। ध्यान रहे टमाटर बहुत ही ज्यादा पका हुआ ना हो, थोड़ा हार्ड रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कैसे ट्रे में फैला दिया है और अब हम इसे धूप में सूखने देंगे। इसे सूखने में करीब 2 से 3 दिन लगेगा। अगर बहुत ही तेज धूप है तो ये शायद 2 दिन में भी सूख जाए। मुझे इसे सुखाने में 2 से 3 दिन लगा है। 2 से 3 दिन के बाद आप देख सकते हैं ये पूरा ड्राई हो चुका है और अब हम इसे एक मिक्सी के बाउल में ट्रांसफर कर देते हैं और उसके बाद हम इसे पीस लेते हैं। यहां हमने इसे पीस लिया है, अब हम इसे एक छन्नी की मदद से छान लेते हैं। अब हम इसे एक छलनी की मदद से छान लिया है हमने ने और जितना रेसिड्यू बचा है इसे हम दोबारा मिक्सी के बाउल में डालकर इसे और भी पतला पीस लेते हैं। ये प्रोसीजर आपको 2 से 3 बार करनी पड़ सकती है ताकि बहुत ही फाइन पाउडर बने। यहाँ दोबारा मिक्सी में पीसकर हम इसे फिर से छलनी से छान रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये टमाटर का पाउडर बना लिया है हमने। अब इसे आप करीब 6 महीने तक एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। एक ही बार में ज़्यादा क्वांटिटी बना ले ताकि आपको बार बार मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। इसका टेस्ट बिल्कुल फ्रेश टमाटर की तरह ही आता है। आप जैसा चाहें उसे ग्रेवी में प्रयोग कर सके। आप इसे कई सैंडविचेस में ऊपर ड्राई स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये तरीका पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।